तो ये तार भाई सोए पड़े हैं अभी तो रात जो ये शूट पे गए थे लोकेशन पे, तो वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो गया, तो इनके जो कान में से भी खून ब्लड निकलने लग गया था और अपना नाक में से भी। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि क्योंकि सुबह उठा के लेके आए ना हम तो 6 बजे, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि इनके बोल अगर आवाज़ निकलती तो ठीक है, नहीं तो आवाज़ भी जा सकती है। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आवाज आ रही है। तो हाँ जी दोस्तों, आप भाइयों की रिक्वेस्ट पे मैं दोबारा फिर आ गया हूँ जी। तो दोस्तों आज स्टार्ट स्टार्टिंग में एक्टिविटी हो गई है दोस्तों। दोस्तों ये था साथ में दाना मंडी है जी। ठीक है जी, मैं अंदर चलता हूँ दोस्तों। आज मैं कैमरा प्लेस करने वाला हूँ जी। ठीक है जी, और हाँ जी ये लोकेशन चेंज लग रही है मेरे को। देखिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं जस्ट आपको फील करने आया हूँ। क्या आप बिना नुकसान पहुंचाए मुझे रिकॉर्डिंग करने दे? देखिए मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तेरी ये, अरे यार दोस्तों चेंजेस लग रहा है जी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई दिन के टाइम यहाँ पे आया हो। ये तो मेरे ही निशान पड़े हैं शूज़ के, ये देखो ये मेरे ही शूज़ हैं दोस्तों, ये निशान पड़े हैं। और इस रूम में दोस्तों मैं बंद हो गया था ये इस रूम में। ये एक्टिविटी हुई है दोस्तों स्टार्टिंग में, ये वाली ये गेट मूव हुए हैं जी। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस जगह पर कैमरा प्लेस करूंगा जी सामने। ठीक है जी, पहले मैं आपको सारे रूम दिखा दूं। मूव हो रहे थे, ये देखो मूव हो रहा है। और इस रूम में बंद हो गया था दोस्तों, मैं अंदर नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आज नहीं चाहता मैं बंद हो जाऊं। मैं नहीं चाहता मैं बंद हो जाऊं। ये मैंने पैर से बंद कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, मैं सामने कैमरा प्लेस करता हूँ जी वहाँ पर। और मैं दूसरा फोन है जी, दूसरे फ्लैश लाइट जला के रखूँगा दोस्तों। इस जगह पर मैं कैमरा रख दूंगा। और इधर भी मैं बंद हो गया था इस वॉशरूम में और इसमें भी। शिट, नहीं नहीं अंदर नहीं जाऊंगा मैं फिर ना बंद हूँ। ये देखो मेरे निशान अभी तक पड़े हैं, जिस दिन मैं विजिट करके गया था ना जी, तो अब तक ये निशान पड़े हैं मेरे शूज़ के। ये मेरे दूसरे शूज़ के ये निशान है, ये मैंने आज दूसरे पहन रखे हैं नाइकी के, तो ये दूसरे हैं ये मेरे मतलब। शिट, देखिए मैं नुकसान नहीं पहुँचाने आया। ये देखो बच्चे के पैर भी हैं यहाँ पे, ये देखो छोटा सा पैर है यहाँ पे, पैरों के निशान है। ये देखो ये भी पड़े हैं, ये देखो। अरे यार इसका मतलब क्या है, ये तो ऐसा लगता है छोटे बच्चे के पैरों के निशान है। चलो ठीक है दोस्तों, मैं कैमरा प्लेस करता हूँ जी, यहाँ पे रखूँगा मैं कैमरा। तो हाँ जी दोस्तों, ये मैंने एक फ़ोन हाथ में पकड़ लिया जी, और ये मैंने मेन कैमरा नीचे रख दिया जी। उसका फ्रेम पूरा आता रहेगा जी। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया जी, ये
इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही, चेक कर लूँ एक बार। चल रही है जी, एक मिनट चेक कर लूँ फिर भी। हाँ चल रही है। तो हाँ जी दोस्तों, ये मैंने एक कैमरा यहाँ पे रख दिया जी, और मैं अब शूट करता हूँ जी। ये ब्लर क्यों हो रहा है, ये मेरे हाथ वाला कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है? अब ठीक है। देखिए क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? और दोस्तों ये खिड़की, ये वाली खिड़की ना जी बहुत मूव हो रही थी, ये वाली। ठीक है जी दोस्तों, इस कैमरे की ना जी, जो मेरे हाथ में फोन है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत लो है जी, तो आप मैनेज कर लेना जी। ठीक है जी, देखिए क्या आप मेरे सामने आ सकते हैं? देखिए क्या मेरे सामने आ सकते हैं? यार ये कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है दोस्तों? ये कैमरा ब्लर हो रहा है। देखिए क्या मेरे सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए? ये देखो, इधर से कोई भाग के गया है, इस रूम में से कोई भाग के गया है, इस रूम में से कोई भाग के गया है, मेरे को लगा है। देखिए मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आया, मैं जस्ट आपसे बात करने आया हूँ। मुझे अफसोस है कि आपकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। देखिए आप भी मजदूर हैं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं भी अपना काम ही करने आया हूँ, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाने आया। दोस्तों मुझे इस रूम से लगा था जी जैसे कोई भाग के गया है। ये देखिए दोस्तों, ओए
दोस्तों ये देखो, इसके रूम के पीछे भी कोई नहीं है। सामने आ सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए। ये देखो, तार भाई सोए पड़े हैं अभी। तो रात जो ये शूट पे गए थे लोकेशन पे, तो वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो गया, तो इनके जो कान में से भी खून ब्लड निकलने लग गया था और अपना नाक में से भी। तो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि क्योंकि सुबह उठा के लेके आए ना हम तो 6 बजे, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि इनके बोल अगर आवाज़ निकलती तो ठीक है, नहीं तो आवाज़ भी जा सकती है। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो कान में से भी रात ब्लड निकलने लग गया था और नाक में से। तो भी मैं देखता हूँ इनके फ़ोन में अगर कोई वीडियो हुई रात की रिसेंटली तो क्या हुआ होगा रात साथ में इनके, है ना। तो मैं देख के अपलोड वगैरह देखता हूँ करता हूँ जो भी कुछ रात हुआ होगा वो, क्योंकि रात शूट तो इन्होंने की होगी। तो उसके बाद पूरी रात ये बाहर ही रहे भाई, तो ठंड से शरीर भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, तो बहुत ही मुश्किल से लेके आए हैं। तो अभी फिर डॉक्टर से बात करते हैं, बुलाते हैं डॉक्टर को दोबारा, फिर देखते हैं क्या बनता है जी। बाकी मैं इनके फ़ोन में चेक करता हूँ कि क्या कुछ रात क्या हुआ था, जो हादसा वगैरह क्या हुआ, इनके साथ क्या सीन हुआ, तो उसका मैं देखता हूँ जी। अगर फ़ोन में हुआ तो कोशिश करूँगा कि आपको भी दिखाया जाए। तो ठीक है जी, फिर अभी डॉक्टर साहब को मैं फिर दोबारा लेके आता हूँ बुला के।